और भक्तों, आप सभी का आपके चैनल स्पिरिचुअल इलाहाबादिया में एक बार फिर से स्वागत करते हुए हमें अपार प्रसन्नता महसूस हो रही है। आप हैं तो हम हैं, हमारी यह धर्म यात्रा है। साल का सबसे बड़ा गणेश उत्सव शुरू हो गया है। हर भक्त उन्हें प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, पैसा पाना चाहता है और अपने जीवन का आने वाला समय निष्कंटक व्यतीत करने का आकांक्षी होता है। गणेश जी के पूजन में जहां आरती और दूसरे उपचार महत्वपूर्ण हैं, तो वहीं उन्हें अर्पित किए जाने वाले भोग भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आज हम इस यात्रा में भगवान गणपति के भोगों की बात करेंगे। भगवान गणेश जी के प्रिय भोगों के बारे में, जिन्हें अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो आइए, यात्रा पर पहला कदम बढ़ाते हुए हम बात करते हैं उनके सबसे पसंदीदा भोग की। सबसे पहले मोदक। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हैं। यह माना जाता है कि मोदक का स्वाद उन्हें बहुत ही प्रिय है, पसंद है। इसे अर्पित करने से वे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरा प्रिय भोग है लड्डू, विशेषकर बेसन और बूंदी के लड्डू। खोए या गरी के लड्डू नहीं, बेसन और बूंदी के लड्डू, यह भी गणेश जी के प्रिय भोगों में से एक है। तीसरा है केला। केला शायद अपने हाथी के स्वरूप के कारण उन्हें पसंद है, लेकिन उन्हें केले का भोग बहुत प्रिय है। इसे अर्पित करने से वे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। चौथा है चावल की खीर, यह भी गणेश जी को बहुत पसंद है। इसे अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पांचवा है पूरन पोली, यह भोग विशेषकर महाराष्ट्र में बहुत चलन में रहता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के दौरान इसे बहुतायत में अर्पित किया जाता है। अधिकांश भक्त इन्हें जरूर अर्पित करते हैं। छठवां है नारियल। लक्ष्मी जी के साथ पूजे जाने वाले गणेश जी को भी लक्ष्मी की तरह नारियल बहुत पसंद है। शास्त्रों के अनुसार नारियल को अर्पित करने से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सातवां है और अंतिम है हलवा, विशेषकर सूजी का हलवा। इसे अर्पित करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में इन सात प्रकार के भोगों का वर्णन उपलब्ध है, जिन्हें पाकर शिव पार्वती नंदन गणेश जी बहुत शीघ्रता से प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राधा रानी जब प्रसन्न हो जाती हैं तो अपने भक्तों पर कृपा बरसा देती हैं। आप हमारी इस छोटी पर महत्वपूर्ण यात्रा के सहयात्री बने और अंत तक साथ रहे, हम दिल से आभारी हैं कि हमने आप भक्तों के लिए जो इस पोस्ट को बनाने में समय लगाया वह सफल हुआ। अगर आप किसी दूसरे विषय पर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइए, लिखिए। अपने 25 साल के दिल्ली प्रवास के लंबे पत्रकारिता जीवन में संभव है वो हमारे समक्ष आया हो, नहीं तो हम आपके लिए रिसर्च कर पोस्ट बनाएंगे जो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल के सदस्य बने, अपने सुझाव व पसंद नापसंद भी बताएं ताकि हम सुधार कर सकें, और अगर अच्छा है तो शेयर भी कर दें, ये तो बनता है। अरुण का सादर अभिवादन पुनः स्वीकार करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सादर अभिवादन पुनः।